एकमात्र ब्रह्मवाणी ही वह ज्ञान है जिसके माध्यम से अथवा जिसको अपना करके हम परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में जान सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि फिर वास्तव में ब्रह्मवाणी के आधार पर परब्रह्म का धाम स्वरूप और उसकी लीला कैसी है, कहाँ पर है। तो ब्रह्मवाणी का आधार लेकर के अन्य ग्रंथों के प्रमाणों के साथ में हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न ये है कि परब्रह्म कहाँ है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कैसा है, क्योंकि दोनों प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इस संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। एक वर्ग परमात्मा को साकार मानता है और दूसरा निराकार। साकार मानने वाले जितने लोग हैं अथवा साकार वाली जो विचारधारा है उनका मानना यह है कि परमात्मा अलग अलग रूपों में अलग अलग तन से अवतार धारण करता है, और फिर परमात्मा के नाम पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की आकृति और उन आकृतियों की मूर्ति अथवा तस्वीर बना करके पूजी जाती है। कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई शालिग्राम की पूजा करता है, कोई शिवजी के मूर्ति बना करके अथवा उनकी फोटो बना करके पूजा करता है, और वो फोटो भी एक मनुष्य की आकृति की बनाई जाती है। कोई विष्णु भगवान की मूर्ति अथवा फोटो बना करके पूजा करता है, उसके चार हाथ जिसमें शंख चक्र गदा पद्म दिखाया जाता है। इसी तरह से किसी ने उस परम शक्ति को मातृसत्ता का रूप दिया और देवी का रूप देकर के, देवी की आकृति देकर के, किसी ने आठ हाथ की, किसी ने दस हाथ के स्वरूप की मूर्ति बनाई और फिर उसकी पूजा शुरू की। तो कुल मिलाकर के साकार वाली जो विचारधारा है वो इस तरह से अपनी भक्ति किया करती है। दूसरी जो विचारधारा है वो है निराकार की, जो ये कहती है कि परमात्मा निराकार है। और जब अगर निराकार माना है तो उसके साथ में तुरंत प्रश्न ये उठता है कि फिर वो परमात्मा कहाँ पर है। तो उस परमात्मा को निराकार साबित करने के लिए, निराकार सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है, क्योंकि अगर उसे एक धाम में स्थित मानेंगे तो फिर हमें साकार मानना पड़ेगा, क्योंकि जो एक देशी हो गया वो साकार है, और वो जो सर्वदेशी है अर्थात प्रत्येक जगह पर प्रत्येक कण कण में व्याप्त है तो वह निराकार है। तो निराकार वाली जो विचारधारा है मुख्य रूप से इतनी है। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो ब्रह्मवाणी के आधार पर हमें ये समझ में आती है कि परमात्मा न तो निराकार है न साकार है। अब प्रश्न होता है कि निराकार भी नहीं है साकार भी नहीं है तो वो है कैसा। उसे ब्रह्मवाणी का जो सिद्धांत है उस परमात्मा को शुद्ध साकार बताती है। शुद्ध साकार का तात्पर्य है कि उसकी आकृति तो है, उसका स्वरूप है, उसकी छवि है, लेकिन उसकी शोभा को, उसके श्रृंगार को, उसकी आकृति अथवा उसकी छवि को इस शरीर के, हमारे स्थूल शरीर के आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको शुद्ध साकार कहा जाता है। आकार रहते हुए भी वो शुद्ध है अर्थात इंद्रियातीत है। अब जब हम वेदों में देखते हैं, क्योंकि हम प्रमाण ढूंढते हैं किसी भी बात के लिए, तो हिंदुओं का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेदों को सृष्टि का आदि पुस्तक कहा जाता है, उसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय वाणी कहते हैं। इसी प्रकार
वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है, उपनिषद, फिर दर्शन इत्यादि हैं। और जब हम कतेब परंपरा में जाते हैं तो कतेब परंपरा में इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, जिसमें बाइबल और कुरान की उनका जो प्रचलन है अथवा उनका जो प्रचार है समाज में ज़्यादा है। तो इन सभी धर्म ग्रंथों में जब हम देखते हैं परमात्मा के धाम, स्वरूप अथवा लीला के विषय में, तो हमें ब्रह्मवाणी की एक एक बात, ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई हमें सत्य प्रतीत होती है, और वो सत्य ही है। जैसे परमात्मा के स्वरूप के विषय में जब हम बात करें तो हमने दोनों प्रकार की विचारधारा को सुना, साकार और निराकार का। वेदों का कथन है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानं धीरम अजरम युवानम। परमात्मा इस संसार के लौकिक कामना से रहित है, धीर है, अजर है। अजर का मतलब जिसको कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है, जरा अवस्था नहीं आती है, और युवा है। युवा का मतलब किशोर है। उस परमात्मा को हम सत्य, चेतन और आनंद, संधि से अगर कहें तो सच्चिदानंद कहते हैं। किशोर स्वरूप है, और अगर सत्य स्वरूप है तो सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, तो उसका किशोर स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये वेदों का कथन है। वेद में परमात्मा को किशोर स्वरूप वाला कहा, युवा स्वरूप कहा। वेद कहते हैं येषाम इंद्रो युवा सखा, वह युवा है और सभी आत्माओं का सखा है। अब जब उसको किशोर कह दिया गया, किसी स्वरूप वाला कह दिया गया, तो उसको निराकार कैसे कह सकते हैं? और अगर वो निराकार नहीं है तो फिर इस संसार के कण कण में व्यापक अथवा सर्वव्यापक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भूमिका बहन से प्रवचन सुना, उसने कहा कि ब्रह्मवाणी का कथन है, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो या में होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। परमात्मा को तो हमने अजर कहा, अमर कहा, युवा स्वरूप वाला कहा, सच्चिदानंद स्वरूप कहा, तो फिर जब संसार के कण कण में परमात्मा है, जैसे दूध में अथवा पानी में चीनी को घोल दिया जाए, चीनी का गुण क्या है? मिठास। तो मिठास का गुण दूध अथवा पानी की प्रत्येक बूंद में होनी चाहिए। उसी तरह से संसार के कण कण में अगर परमात्मा का स्वरूप व्याप्त हो, व्यापक हो, तो परमात्मा के प्रत्येक गुण इस संसार के प्रत्येक कण में आने चाहिए, जैसे वो सत्य है। अर्थात परमात्मा का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता, इस संसार का तो प्रत्येक कण परिवर्तित है। ये संसार कल आज के जैसा नहीं था, आज कल के जैसा नहीं है, और कल आज के जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ सौ वर्ष पहले संसार की स्थिति दूसरी थी, और कुछ सौ साल के बाद में संसार की स्थिति अलग होने वाली है, तो उसको सत्य कैसे कह सकते हैं? ये संसार चेतन नहीं है, गतिमान है, गतिमान को चेतन नहीं कह सकते। संसार में गति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अलग अलग ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उन ग्रहों की शक्ति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष में और कक्ष में गतिशील है, लेकिन गति होने का मतलब वो चेतन नहीं है। वैसे तो हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा भी घूमता है, गाड़ी चलती है, हवाई जहाज उड़ती है, तो इनको चेतन नहीं कहा जा सकता। उनमें गति किसी ऊर्जा के कारण है, किसी जड़ ऊर्जा के कारण। इसी तरह से पृथ्वी में गति है, लेकिन ये चेतन नहीं है, जबकि परमात्मा चेतन है। परमात्मा में चेतना के लक्षण है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उस परमात्मा को आनंद का स्वरूप कहते हैं, उस परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहते हैं। भाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती है। हिंदू उसको संस्कृत भाषा से प्रार्थना करेगा, कोई ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा, तो वो भी अपनी अपनी भाषा में, अपनी
प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में प्रार्थना करेगा। मुसलमान अगर होगा, इस्लाम का अनुयायी होगा, तो अरबी, उर्दू, फारसी में प्रार्थना करेगा। लेकिन परमात्मा के लक्षण कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। उसको अगर हिंदू सत्य, चेतन और आनंदमयी कहता है, तो उसका विरोध करने के नाम पर कोई ईसाई अथवा कोई मुस्लिम उसको असत, जड़ और दुखमयी नहीं कहेगा। कोई भी परमात्मा को असत्य तो नहीं कह सकता, कोई भी परमात्मा को जड़ अथवा दुखमयी नहीं कह सकता, क्योंकि सभी परमात्मा को आनंद का स्वरूप मानते हैं। भाषा अथवा कहने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो परमात्मा सत्य, चेतन, आनंदमयी है। इस संसार के कण कण में अगर परमात्मा को ढूंढने लगे तो ये संभव नहीं है।